people are saying there was nothing demolition. Listen in now to Adesh Gupta, BJP neta. बचाने के लिए जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के आक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को आक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जब उसका बम यहां फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है। मजहब देखकर बम नहीं फटेगा, मजहब देखकर बम यहां फटना है, यहां फटेगा, वहां फटना नहीं है, वहां नहीं फटेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बम फटता है, जब आतंक होता है, तो उसका शिकार, उसके उसकी प्रताड़ना सबको झेलनी पड़ती है। धर्म जाति का कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है, उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए, आपने देखा किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये निगम की पहली कार्रवाई नहीं है। इस अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल के बाद आज मई हो गया है, इस सवा महीने के अंदर ये 40 बार कार्रवाई हो चुकी है। चाहे मदनपुर खादर हो, बदरपुर हो, ओखला हो, किराड़ी हो, रिठाला हो, रोहनी हो, करोलबाग हो, हर जगह कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से इस बात को सांप्रदायिक आधार माना बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। जब कोई अतिक्रमण करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक बता रहे हो। जब कोई दंगा फैला रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, और जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। तो ये जो चश्मा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको आज ये सबक जरूर मिलेगा। जो आज इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या और गैर कानूनी रूप से इस दिल्ली के अंदर आतंक फैलाने का काम करने वाले, अगर उनके ऊपर एक कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उनको जनता लिटाने वाली है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो, चल रहा है ये माइक? ऑलराइट, सो दैट इज एज यू जस्ट हर्ड।
बीजेपी नेता बीजेपी लीडर आदेश गुप्ता हु इज क्लियरली टारगेटिंग द आम आदमी पार्टी एंड ऑल्सो द कांग्रेस पार्टी हियर नाउ व्हाई हाउ दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज आई कैन टेल यू दैट आवर रिपोर्टर्स बिकॉज वी हैव हैड आवर टीम ऑफ रिपोर्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स आई हैव ऑल्सो गॉट एन अपडेट दैट देयर वर सम स्मॉल शॉप्स लाइक इंपॉर्टेंट है आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान जी ने एक मीटिंग ली कि असी नशे नू खत्म करना है पंजाब च अरविंद केजरीवाल जी ने हुणे हुणे ट्वीट किया है और भगवंत मान जी ने ट्वीट किया है कि पंजाब नू नशा मुक्त करन जा रहे हैं मैं पंजाब दे लोगों नू